मुंबईकरों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए लोअर परेल, वर्ली और ईस्टर्न एक्सप्रेस वे जुड़ेगी। वहीं दादर के तिलक ब्रिज पर बीएमसी 374 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुंबई के जर्जर पुलों की पुनर्निर्माण के काम बीएमसी ने शुरू कर दिए हैं। दादर ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले तिलक ब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाया जाएगा, जिस पर बीएमसी 374 करोड़ खर्च करेगी। तिलक ब्रिज को बांद्रा वर्ली सीलिंग की तरह ही केबल तकनीक का उपयोग करके बनाया जाएगा। इस पुल की लंबाई 663 मीटर होगी और केबल पुल के क्षेत्र का 190 मीटर को कवर करेगी। नए तिलक ब्रिज की ऊंचाई 4.5 मीटर होगी, वही पुल की चौड़ाई 16.7 मीटर होगी। ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए ब्रिज पर 6 लेन की सड़क होगी। इस ब्रिज के बनने से लोअर परेल, प्रभा देवी और वर्ली से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक यातायात के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। तिलक ब्रिज एक ब्रिटिश कालीन 100 साल से पुराना स्टील गर्डर ब्रिज है। ये पुल जर्जर हालत में है। महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सर्वे कर कंसल्टेंसी रिपोर्ट मांग कर परीक्षण का काम पूरा कर लिया है। जल्द ही इस पुल का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। महारेल ने इसे 2 चरणों में बनाने की योजना बनाई है। तिलक ब्रिज के साथ उसके सौंदर्यकरण के लिए भी महारेल ने सेल्फी पॉइंट के साथ पूरे रेल पर सिग्नेचर थीम लाइटिंग व्यवस्था करने की योजना बनाई है। मुंबई में सेंट्रल हार्बर और वेस्टर्न रेलवे के 29 रेलवे ओवर ब्रिज खतरनाक स्थिति में है, जिनका बीएमसी पुनर्निर्माण कर रही है। इन सभी ब्रिजों का काम साल 2024 से 25 तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया है। गोखले ब्रिज दुर्घटना के बाद बीएमसी ने मुंबई में सभी रेल ओवर ब्रिज का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया था, जिसमें से कई ब्रिज की मरम्मत और कुछ को नए सिरे में बनाने की सिफारिश की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।